हैदर, ये नाम इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है और इसकी वजह है हिंदुस्तान की सरहद के उस पार से चार बच्चों के साथ आई पाकिस्तानी बहू। महज 5वीं तक पढ़ी हुई सीमा हैदर नाम की ये महिला अविश्वसनीय तरीके से कराची, नेपाल और दिल्ली होते हुए यूपी के इस कस्बे में सचिन मीणा के पास पहुंच गई। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है मोबाइल फोन पर ऑनलाइन खेले जाने वाले पबजी गेम से। बता दें कि रबुपुरा कस्बे के मीणा ठाकुरान मोहल्ले का रहने वाला 24 साल का सचिन मीणा सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है। कोविड से पहले वो कस्बे में ही परचून की एक दुकान पर काम करता था। कोविड काल में दुकानें बंद हो गई तो उसका काम भी चला गया। खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। सितंबर 2020 में गेम खेलने के दौरान वो कराची की रहने वाली सीमा हैदर के संपर्क में आया। गेम खेलने के दौरान दोनों अपना माइक्रोफोन ऑन करके रखते थे। इस दौरान वो एक दूसरे से बात करते थे, इतना ही नहीं गेम चैट पर भी बातें करते थे। वही कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं। सीमा ने बताया है कि वो दक्षिणी पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हाजानाओं गांव की रहने वाली है। तीन बहनों में वो दूसरे नंबर की है। उसका एक बड़ा भाई भी है जो सेना में काम करता है। सीमा ने घर पर आने वाली एक ट्यूशन टीचर से 5वीं तक की पढ़ाई की है। दिसंबर 2020 में सीमा के पिता की मौत हो गई। सचिन उससे मिलने संतावना देना चाहता था। इसके लिए उन्होंने गदर फिल्म के बारे में आपस में बात की कि कैसे तमाम बाधाओं के बीच भी भारत में रहने वाला लड़का पाकिस्तान में रहने वाली लड़की से मिलता है। इसलिए उन्होंने भी सभी कठिनाइयों के बीच अपना ये फैसला लिया। वहीं 10 मार्च को दोनों एक दूसरे से मिलते ही गदर फिल्म देखी और अगले दिन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। एक हफ्ते तक वो काठमांडू में पति पत्नी की तरह रहे। सीमा ने माथे पर सिंदूर लगाकर भारतीय पहनावे में फोटो खिंचवाए और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किए। उसके बाद वो हमेशा के लिए सचिन के पास आने के लिए पाकिस्तान लौटे, जिसके बाद सीमा अपने बच्चों के साथ दिल्ली पहुंच गई और यहीं से शुरू हुई सीमा और सचिन के सुर्खियों में बने रहने की कहानी। पाकिस्तानी बहू लाने पर सचिन के घर वालों को उस पर गर्व है। कस्बे के ज्यादातर लोगों ने भी सराहना की है। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे सवालों से दुविधा में हैं। वही सीमा के पति गुलाम हैदर ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उसकी पत्नी को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। उधर पाकिस्तान से सीमा हैदर को वापस भेजने की लगातार धमकी भी मिल रही है। हाल ही में मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेल को एक धमकी भरा कॉल आया। फोन करने वाले ने उर्दू में कहा, अगर सीमा हैदर वापस नहीं आई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान से धमकी पर सीमा हैदर ने कहा, मैं ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, मैं भारत में ही रहूंगी। पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। मैं ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, मैं भारत में ही रहूंगी। पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। वही सीमा हैदर इतने पर ही नहीं रुकी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने ऐसा बोल डाला जिससे सबके सब दंग रह गए। दरअसल पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को पसंद करने की बात कही है। सीमा हैदर ने कहा, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे उनकी स्माइल पसंद है। मैं उनके दिव्य दरबार में जा सकती, लेकिन कोर्ट की वजह से मैं कहीं नहीं जा सकती। कोर्ट का मेरे हित में फैसला आएगा, मैं भारत में ही रहूंगी, यही मुझे जीना और मरना है। ऐसे में एक सवाल इन दिनों हर तरफ देखने को मिल रहा है कि क्या वाकई ये एक प्रेम कहानी भर है या फिर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कोई साजिश है। खैर, आने वाले समय में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी कौन से मोड़ पर जाकर रुकती है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।